प्राचीन काल में नदी के किनारे एक नगर था। एक बार अकाल पड़ा, नदी तालाब सभी सूख गए, लोगों के लिए पीने का पानी न रहा। देखते ही देखते नगर वीरान हो गया। अब वह जगह केवल चूहों के रहने लायक रह गई। चारों ओर चूहे ही चूहे नजर आने लगे। मूषक राज चूहा उनका राजा था। एक दिन वहाँ धरती से पानी की एक धार फूट पड़ी। कुछ ही दिनों में वहाँ एक बड़ा जलाशय बन गया। नगर के समीप ही एक घना जंगल था। जंगल में अनगिनत हाथी रहते थे। उनका राजा गजराज एक विशाल हाथी था। सूखा तो पड़ा ही था, जीव जंतु पानी की तलाश में इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे। भारी भरकम शरीर वाले हाथियों की हालत तो और भी खराब थी। एक दिन गजराज के मित्र चील ने उसे जलाशय के बारे में बताया। गजराज तुरंत सबको जलाशय की ओर ले चला। सैकड़ों हाथी प्यास बुझाने चल दिए। जलाशय तक पहुंचने के लिए उन्हें खंडर बने नगर से गुजरना पड़ा। इससे हाथियों के पैरों से चूहे कुचलने लगे। सैकड़ों चूहे मारे गए। मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। हाथियों का दल फिर उसी रास्ते से लौटा। फिर सैकड़ों चूहे मारे गए। अब हाथी रोज उसी मार्ग से पानी पीने जाने लगे। चूहों के राजा मूषक राज को बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई। विचार विमर्श के बाद मंत्रियों ने कहा, महाराज आपको ही जाकर गजराज से बात करनी चाहिए, वे बहुत दयालु हैं। मूषक राज हाथियों के राजा से मिलने वन में गया। गजराज एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। मूषक राज ने एक बड़े पत्थर के ऊपर चढ़कर गजराज को प्रणाम किया। फिर बोला, हे गजराज, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। गजराज के कानों तक मूषक राज की आवाज नहीं पहुँच रही थी। उसकी बात सुनने के लिए वह नीचे बैठ गया। अपना एक कान पत्थर पर चढ़े मूषक राज के निकट ले जाकर बोला, नन्हे मियाँ, आप कुछ कह रहे थे, कृपया फिर से कहिए। मूषक राज बोला, हे गजराज, मुझे मूषक राज चूहा कहते हैं। हम बड़ी संख्या में खंडर बनी नगरी में रहते हैं। आपके हाथी रोज जलाशय तक जाने के लिए नगरी के बीच से गुजरते हैं। हर बार उनके पैरों से सैकड़ों चूहे मारे जाते हैं। यह मूषक संहार बंद न हुआ तो हम नष्ट हो जाएंगे। गजराज ने दुख भरे स्वर में कहा, मूषक राज, आपकी बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। हमें पता ही नहीं था कि हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं। हम नया रास्ता ढूंढ लेंगे। मूषक राज धन्यवाद भरे स्वर में बोला, गजराज, आपने मुझ जैसे छोटे जीव की बात ध्यान से सुनी, आपका धन्यवाद। गजराज, कभी हमारी जरूरत पड़ी तो याद अवश्य कीजिएगा। गजराज ने सोचा कि यह नन्ना जीव क्या हमारे काम आएगा। उसने मुस्कुराकर मूषक राज को विदा किया। कुछ दिन बाद कुछ शिकारी जंगल में हाथी पकड़ने आए। उन्होंने चुपचाप जंगल में जाल बिछा दिए। कई हाथी पकड़ लिए गए। एक रात हाथियों के पकड़े जाने से चिंतित गजराज जंगल में घूम रहे थे। तभी उनका पैर सूखी पत्तियों के नीचे दबाकर रखे रस्सी के फंदे में फंस गया। जैसे ही गजराज ने पैर आगे बढ़ाया, फंदा कस गया। रस्सी का दूसरा सिरा एक पेड़ के मोटे तने से मजबूती से बंधा था। गजराज चिंघाड़ने लगा। उसने अपने सेवकों को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी गजराज की मित्र चील वहाँ आई। गजराज की हालत देखकर उसे बहुत धक्का लगा। वह बोली, गजराज बताइए क्या करूँ, मैं आपको छुड़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। गजराज बोले,
तुम बस उड़कर खंडहर नगरी जाओ और चूहों के राजा मूषक राज को सारा हाल बताओ। उनसे कहना मेरी उम्मीदें उन्हीं पर टिकी हैं। चील पूरी शक्ति से उड़कर मूषक राज के पास गई और सारी बात बताई। मूषक राज तुरंत अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। शीघ्र ही वे गजराज के पास पहुँचे और फंदे की रस्सी कुतरने लगे। कुछ ही देर में फंदे की रस्सी कट गई। गजराज आजाद हो गया।